Hello students, myself Yogesh Chandra Shukla, I am your biology faculty from Momentum Ghoda classes. जैसा कि मैं आपके पास आया हूँ इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के दिनों में हुई है कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें. अच्छी चीज़ ये हुई है कि बोर्ड का एग्जाम डेट फाइनल हो गया है और यही कुछ लोगों के लिए अच्छी और कुछ लोगों के लिए बुरी चीज़ें हैं. इम्पॉर्टेंट ये है कि अब बोर्ड का एग्जामिनेशन की डेट फाइनल हो चुकी है. जैसा कि आप देख रहे हैं ये डेट 4 मई से 10 जून के बीच की है. मतलब हमारे पास बहुत कम समय बचा है. कितना समय क्या आपने काउंट किया है? यदि हाँ तो देखिए हमारे पास 16 वीक्स अप्रॉक्स 120 डेज बाकी हैं. तो क्या लगता है इन कम समय में हमने उन सारी चीजों की तैयारी कर ली है जो आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसे 12th बोर्ड कहते हैं इसको आप क्वालिफाई कर पाए. और ना सिर्फ क्वालिफाई कर पाए, आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स जिसे मैं मानता हूं 70 out of 70 आप ला पाएंगे. क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आपकी तैयारियों में वो दम है? यदि नहीं तो आप मुझे देखें, फॉलो करें और हमारे कंटेंट को ध्यान से पढ़ें. आपके कम समय में 70 to 70 मार्क्स लाने में मैं आपका योगेश चंद्र शुक्ला आपकी बहुत मदद कर सकता हूं. होप सो स्टूडेंट्स आप लोग हमें देखेंगे और हमारा कंटेंट आप इसको फॉलो करें, आपको कम समय में अच्छे नंबर आने के मौके मिलेंगे. होप सो स्टार्ट करते हैं भाई. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास आप जानते हैं करीब 16 चैप्टर्स होते थे बायोलॉजी में. इन 16 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर ओमिट कर दिए गए हैं और ये जो ओमिट चैप्टर के बाद बचे हुए 12 चैप्टर है. आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका इन कम समय में प्लान क्या होना चाहिए, आप कैसे कम समय में अच्छा मार्क्स लेके आते हैं. आफ्टर दैट अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं हर टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए वीडियोस बनाऊंगा, हर टॉपिक पे हर चैप्टर्स पे वीडियो बनाऊंगा. बट इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा आपको कि हर टॉपिक में हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है. सो आज मैं आपको एक प्लान देता हूँ, उस प्लान को आप फॉलो करें और आपको बहुत फायदे मिलेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे लोग कि हमारे पास में एम्बिशन है 70 out of 70. टफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. आप इस चीज को भूल जाइए कि ये बहुत बड़ा मार्क्स है, बहुत बड़ा कुछ एम्बिशन है, कुछ नहीं. आप पॉइंट टू पॉइंट मेरी बात समझते चलिए, आपको चुटकियों में आसान लगेगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, हजारों बच्चों से मैं पढ़ाता हूँ और क्वेश्चन पूछता हूँ तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है हम स्टार्ट कैसे करें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या पढ़ें बायोलॉजी में ऐसा जिसे हम कम समय में अच्छा मार्क्स लेके आ जाएं. तो याद रखिए वैसे तो जिंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है बट अगर प्लान करके चला जाए तो कम समय में बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है. तो वही प्लान इंपॉर्टेंट है जिसका एग्जीक्यूशन आपको करना है. मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ इस विषय में. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप पढ़ने के लिए स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले प्लान बनाएं. कहीं भी पहुंचने के लिए निकलना जरूरी है, कहीं भी पहुंचने के लिए निकलना जरूरी है. इसलिए सबसे पहले एक बेहतर प्लान बनाएं कि आपको करना क्या है. एज एग्जाम्पल हमने कल सोचा कि हम सुबह उठना है, हम सुबह उठ गए, फिर करना क्या है भाई? तो आधा घंटा हमें ये सोचने में लग जाएगा कि हम करें क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ें. इसलिए कल जो आपको पढ़ना है उसका प्लान एक दिन पहले बना लें कि मुझे इन दो टॉपिक्स को पढ़ना है. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूँ बायोलॉजी में पढ़ना है आपको, तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में पहले से ही एक प्लान बना लीजिए जिससे आप अगले दिन अच्छी शुरुआत कर पाएंगे. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा, जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो दो चीजों को फॉलो करें. ये मेरा बनाया हुआ एक रूल है जो मैं अपने पढ़ाई के दिनों में फॉलो किया करता था जिसे कहते हैं मार्क्स एंड मूव्स रूल. मार्क्स एंड मूव रूल मतलब ये है, मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, आपने कल का प्लान बनाया कि मुझे फिजिक्स में, मुझे केमिस्ट्री में, मुझे बायोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ने हैं. एग्जाम्पल के लिए कोई भी, फिजिक्स में आप काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री में रेजोनेंस पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी में आप जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं. इन टॉपिक का प्लान एक दिन पहले बनाएं और दूसरे दिन जब आपका दिन खत्म हो तो उस चार्ट में डिसाइड करें कि आपको कौन कौन सा टॉपिक हो गया और कौन सा टॉपिक नहीं हुआ.
आप क्या प्लान जो बना रहे हैं वो आप उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? यकीन रखिए, दुनिया में बहुत प्लान बनते हैं पर उन प्लान का एग्जीक्यूशन होना उससे बहुत जरूरी बात है। इसलिए आप जो भी प्लान बनाए लिखित बनाए, लिखित में फिर अगले दिन उसका एनालाइज भी करें कि क्या आपने उसे फॉलो किया। प्लान बहुत बनाया आपने, फॉलो नहीं किया, वेस्ट है बच्चे लोग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्लान को करना जरूरी है। तो उसके लिए आप टिक मार्किंग करें डेली, तो मार्क करें कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, फिर उसके आगे बढ़ जाए। टॉपिक को कवर करने के बाद आगे बढ़ जाए तो मार्क्स एंड मूव्स उसी उसी पॉइंट पे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। अगला क्या एंबिशन होना चाहिए? कुछ स्टूडेंट में ये भी प्रॉब्लम्स होती है, हम मॉर्निंग में पढ़ें या नाइट में पढ़ें, सुबह पढ़ें या शाम में पढ़ें। कई लोगों का कहना है कि सुबह उठो, है ना, बको ध्यानम, वैसा वो हम लोगों को सुबह उठना चाहिए, लाइट लेट नाइट नहीं पढ़ना चाहिए, या किसी किसी का कहना है लेट नाइट। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ऐसे कोई रूमर्स नहीं। मॉर्निंग एंड नाइट की प्रॉब्लम बस इतनी है बच्चे कि दिन भर का जो समय होता है कई बार रिलेटिव्स, कई बार फोन, कई सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो कम से कम समय पे यदि आप सुबह नहीं उठना चाहते हैं तो लेट नाइट पढ़ें। क्यों पढ़ें लेट नाइट? क्योंकि उससे कुछ समय आपको विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा। और अपना समय कुछ अगर आप नाइट में नहीं पढ़ सकते हैं तो मॉर्निंग का समय 4 बजे से 7 बजे तक का समय जब लोग उठते हैं उस समय पे विदाउट डिस्टर्बेंस आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एक बेहतर समय मिलेगा और आप कॉन्सेंट्रेट कम समय पे अच्छी चीजों को पढ़ पाएंगे। उसके बाद अब बाकी दिन भर घूमना नहीं है, बाकी दिन भर का जो समय है आप उन समय पे उन टॉपिक को जो इजी है, आपको अच्छा लगता है, आप उन चीजों को कवर करें। होप सो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई और आप इसे फॉलो करके देखें, आपके जीवन में अच्छा एक चेंज आएगा। ओके, अगला पॉइंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और अवॉइड डिस्ट्रैक्शन मतलब आपकी लाइफ में लाइक मोबाइल्स, ठीक है। अब मैं आपको मोबाइल से दूर जाने नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी वीडियो ही मोबाइल में चल रही है। सो आप ये डिसाइड करें कि आपके एग्जामिनेशन के पक्ष में, आपके रिजल्ट के पक्ष में कौन कौन सी चीजें हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं। होप सो आप अच्छे से जानते होंगे कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं। तो आप समझिए और ये पॉइंट याद रखें कि किन चीजों को अपन को करना है, कौन सी चीजों को नहीं करना है, और जो डिस्ट्रैक्शन है कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। वो सारी चीजें जो आज आपको अच्छी लगती हैं आपकी सक्सेसफुल के बाद आपको उससे ज्यादा भी अच्छी लगेंगे। सो अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से फॉलो करें और कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, कोई भी चीज अच्छी लगती है, आप उसे करें, घूमिए फिरिए सब कुछ करिए, बट पढ़ने का टाइम डिसाइड कर लें। ओके, अगली, अवॉइड मल्टीटास्किंग। कम समय पे, ऐसा नहीं कि 15 मिनट केमिस्ट्री पढ़ लिए, 15 मिनट फिजिक्स पढ़ लिए, 15 मिनट बायोलॉजी। मल्टीटास्किंग नहीं बनना है बच्चे। मल्टीटास्किंग बनेंगे तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप एक समय पे एक चीज ही करिए और उसी चीज पे फोकस करिए, आप बहुत सारी चीजों की तरफ में ना जाएं, कम चीजों की तरफ में जाइए। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ हर चीज नहीं होनी चाहिए, कम समय पे मतलब हर किसी का एक समय निर्धारित करें। होप सो ये भी चीज आपको समझ में आई होगी और ये बहुत हेल्प करेगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चे, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा। अगला पॉइंट ये है, टेस्ट योरसेल्फ। जब भी आप पढ़ें तो आप, अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अपने आप को टेस्ट करें कि क्या आपको वो चीज मालूम है। एग्जांपल के लिए मैंने कोई चीज पढ़ी, पढ़ने के बाद 10 मिनट के लिए आउटडोर गया, क्लास से बाहर, अपनी रूम से बाहर गया और उस समय इमेजिन करें उस चीज को कि क्या जिस जो क्वेश्चन मैं अभी याद करने की कोशिश कर रहा था उसमें कितने पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि सुबह सुबह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जैसे ही हम लोग जो है फ्रेश होने के लिए जाते हैं उस समय पे सोच के देखें, वो सबसे कूलेस्ट टाइम होता है, उस समय सोच के देखें कि क्या हमें वो चीज़ें याद हैं। सोने से पहले हम ये सोच के देखें कि आज मेरी पढ़ाई हो गई है और जो मैंने पढ़ा है उनका कोई टॉपिक याद है, अगर याद है तो आपको याद है। और अगर आप उस एनालाइज नहीं करेंगे, खुद को टेस्ट नहीं करेंगे, खुद को परखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप सिर्फ भ्रांतियों में जी रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कई लोगों का ये सवाल होता है, सर मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे, या पढ़ती हूँ, मुझे नहीं हो पाता, मैं भूल जाता हूँ। सो ये आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई भी चीज भूलना नहीं होता है, वो सारी चीज आपने अच्छे से याद नहीं की है इसीलिए आप नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज भी आप फॉलो करें, खुद से सवाल करें। आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो योर ट्रिक्स एंड टिप्स।
भरोसा करिए एक छोटे शॉर्टकट्स पे जो मैं इसके लिए आप मुझे फॉलो करें, ओके। मैं आपको बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आप फॉलो करके बहुत कम समय पे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो रही पढ़ाई की बातें जो आप हर टॉपिक में कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ये तो आपका प्लान हुआ, टाइम टेबल्स हुए, ये आपके मोटिवेशन हुआ। अब अबाउट योर सब्जेक्ट, सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली चीज स्टार्ट। आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, मैं जानता हूं, और अगर आपने पढ़ा भी है तो खुद से पूछ के देखिए कि आपको कितना आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी चीज के स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव माइंड। मैंने नहीं पढ़ा है, कोरोना की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, मुझे ट्यूशंस नहीं मिले हैं, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिले हैं, तो उन्हीं का समाधान है हम लोग, उसी चीज का समाधान है हम लोग कि हम आपको देंगे सबसे पहले पॉजिटिव माइंड। आप बनाए कि आप जो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप एक स्टार्ट कर दें तो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए कहां से, बहुत सारी बुक्स है, रेफरेंसेस हैं, हर चीजें हैं, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग कहना है, बट मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें। वो आपको यहां से वहां हटाने की कोशिश करेंगे, आप एनसीईआरटी में अडिग रहना। आपको एनसीईआरटी के बाहर कोई भी टॉपिक कवर करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पक्का भरोसा है, याद रखेंगे। उसके अलावा ये तो हुआ हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स। After the NCERT के exampler, आप बोर्ड में है चाहे आप नीट में हो, लेकिन exampler तो exampler है, इसके बिना आप ना बोर्ड क्लियर कर पाएंगे ना नीट। So exampler का पूरा फोकस करें कि exampler बनाने की कोशिश करें। मोस्टली 15 to 14, 15-16 questions होते हैं, और ये 16 question चाबी होती है सफलता की। तो आप इन पॉइंट को जरूर पढ़ने की कोशिश करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें, इन पे थ्योरी और इन पे क्वेश्चन बनाए की पूरी कोशिश करें। कई बच्चों को ये लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन है, इससे हमारा क्या होगा। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं वो टॉपिक पूरा कवर करें, जो भी ऑप्शन में दिखे हुए चारों शब्द हैं उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करें, उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें कि क्या वो पूरा टॉपिक आपको कवर है, हां या नहीं। अगला पॉइंट, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें तो बायोलॉजी को रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें। जब तक आप उस पे कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको वो अपना सा नहीं लगेगा। और बायोलॉजी मींस व्हाट, बायोलॉजी मींस यू, बायोलॉजी मींस ये वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड आपका अपना है कि नहीं है। तो बायोलॉजी में इस वर्ल्ड को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसे अपना बनाना जरूरी है, और वो अपना जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे। कॉन्सेप्ट मींस व्हाट कहना चाहिए कि अगर आपने पूरा टीचर से सब कुछ पढ़ा दिया, अब उसमें से आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपको उनमें से कौन से पॉइंट पे मजेदारी नजर आ रही है, जिसको आप पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे तो वो आप अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट, ये ट्रिपल आर रूल, ये भी बनाया हुआ मेरा नियम है, ये भी आप फॉलो करें, आपको बहुत फायदे मिलेंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट डे रीड करें। जब भी आपको कोई चीज पढ़ना हो तो पहले आप उसे थ्योरी, मतलब नॉर्मली उसका थ्योरी जो भी कॉन्सेप्ट रीड करें, फिर फोकस करें उसमें से कि कौन कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज अभी हमारे काम की नहीं। जो जरूरी है उसका रिव्यू देखें अगले 3 दिन के बीच में, आप उसको रिव्यू फिर से पढ़ने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सी चीज जरूरी है, लिखने की कोशिश करें। और आफ्टर 5 डेज, मतलब हफ्ते के खत्म होने से पहले, आप उसको फिर से रिविजन करें। आप जब ये करेंगे, रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये ट्रिपल आर राजमौली की मूवी का नाम नहीं, ये मेरे रूल का नाम है जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये 3 चीज फॉलो करें कि आप डेली रिव्यू करें, डेली रिवीजन करें, और याद रखना पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। होप सो आप ये ध्यान रखेंगे कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। कोई चीज तभी अच्छी लगती है जब बार 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 आप उसे परख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। होप सो इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगली कहानी पे, सबसे ज्यादा जरूरी, मैं कह रहा हूं इतना जरूरी कि भाई ध्यान रख लेना इसको, एकदम कुंजी है ये सफलता की, पास्ट ईयर क्वेश्चन। कम से कम 6 से 7 साल के क्वेश्चन उठाइए और उसको पानी में घोलिए और पी जाइए। मतलब इतना इजी कर दो इन 5 to 6 year क्वेश्चन को कि आपको एकदम, मतलब आपके हाथों में कोई पूछ दे इस साल कौन सा क्वेश्चन आया था, आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल ये क्वेश्चन आया था।
उस टॉपिक को जरूर ध्यान रखना, उन्हीं चीजों पे पढ़ना। इससे ये नहीं कह रहा हूं कि आपका क्लियर हो जाएगा, बट सारा कॉन्सेप्ट, सारी गूढ़ता, सारा जो भी प्रॉब्लम्स है इसी में सॉल्व होगा। होप सो, याद रखेंगे इसे। अगला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी, डायग्राम्स का उपयोग करें। जब भी कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको थ्योरी में नहीं, डायग्राम्स में पर समझने की कोशिश करें कि ये कौन सी जगह है। जब तक मैं सीधी एग्जांपल बताता हूं, मैं अगर आपको कहूं कि ये हाथ है, हाथ की हड्डी है, नहीं समझ पाएंगे। ह्यूमरस कहां है? हाथ में बोलूंगा, आप याद, हाथ तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, हर जगह है ना। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ये ह्यूमरस है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। आप डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट, फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। मैकेनिज्म याद करना बहुत टफ होता है बायोलॉजी के बच्चों के लिए, कि इसके बाद क्या हुआ, कि ये उधर गया, उसने उससे रिलीज करवा दिया, उसने उसको एक्टिवेट कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, वगैरह वगैरह। इनके लिए आप थ्योरी की जगह फ्लो चार्ट यूज करें और जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा। सो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं लगातार तो फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम के बेसिस में समझने में मैं आपकी बहुत सारी मदद करूंगा। After that, a good handwriting. First impression is a last impression. ये dialogue बचपन से आप भी सुनते आए हैं, मैं भी सुनता आया हूँ। कटु सत्य है बच्चे कि अगर आपकी writing impression खराब है तो आपको अच्छे number की chance थोड़े से कम है। होप सो आप कितना भी अच्छा लिख लें, कितना भी अच्छा कंटेंट वहां पे डाल दें, आप उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन इज अ हैंड राइटिंग, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे हैंडराइटिंग के माध्यम से। इसलिए अच्छा लिखें, पॉइंट वाइज लिखें और देखने वाले को अच्छा लगना चाहिए। जो दिखता है, मैं कहता हूं वही बिकता है। सो होप सो आप ये बात को समझेंगे। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, बट जो जैसा गाल वैसा तमाचा, जैसा लोगों को पसंद है वैसा ही दीजिए। ओके, अगला पॉइंट, सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी पढ़ाई के समय अब मेडिटेशन को समय दें। खुद से सोचिए, पूछिए, परखिए, प्रेशर में मत आइए बच्चे। बहुत आसान है ये जिंदगी, बहुत आसान है ये एग्जामिनेशन। अगर आपका दृढ़ संकल्प हो गया तो आपको कोई हटा नहीं सकता नंबर लाने पे। उपसो तो ये मेडिटेशन करिए, खुद से सोचिए, पूछिए, इंपॉर्टेंस समझिए अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का और अपने एग्जामिनेशन का, और अपना दिमाग पॉजिटिव रखिए। प्रेशर में कभी मत आइए। मैं योगेश चंद्र शुक्ला आपकी बार बार बहुत साल मदद कर सकता हूँ, आपको बहुत आसान तरीके से नंबर लाने की कोशिश करने पे मदद कर सकता हूँ। सो आप अपना दिमाग, बहुत स्पेशल है आपका दिमाग, आप उसे सुदृढ़ बना के रखिए, मेडिटेशन करिए और आपका अच्छे नंबर के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब प्लीज ऑल्सो। थैंक यू।